हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग काफी अच्छे हो और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपका जो डेट का टाइमिंग है उसको वापस से बढ़ा करके 28 फरवरी कर दिया गया है। 21 फरवरी का लास्ट डेट था, उसको बढ़ा करके 28 फरवरी कर दिया गया है। ये ओवरव्यू था, इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको दबा दो यार, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो मिस ना हो पाए। राइट, तो सिंपल सा प्रोसेस क्या है, जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि 21 फरवरी लास्ट डेट था फी पेमेंट करने का, आई मीन एडमिशन कराने का, विदाउट लेट फी। विदाउट लेट फी उसको बढ़ा करके 28 फरवरी कर दिया गया है। अभी अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही सही समय है, क्योंकि 7 दिन का आपको और समय दिया गया है आपको एडमिशन कराने का। आपको यहाँ पे किसी भी तरह का लेट फी पेमेंट नहीं करना है, सिंपली जाना है, खुद को रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद और एडमिशन जो है आपको करा लेना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, पूरा देखना। लेकिन जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो डेट है उसको बढ़ा करके अब 28 फरवरी 2022 कर दिया गया है एडमिशन का। तो इसका प्रोसेस मैं एक एक करके फिर आपको बता देता हूँ। तो जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा है, सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करवाना होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, है ना। सबसे पहले तो आपको ये चूज करना है कि आपको कोर्स कौन सा करना है, ठीक है ना। आप वेबसाइट पे पहुंच के प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे अगर क्लिक क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से आपको कौन सा कोर्स करना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। इग्नू के बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप एम कॉम की स्टडी कर रहे हो, बी कॉम की स्टडी कर रहे हो, यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको टाइप करना है यहाँ पे Ctrl+F, सर्च वाला बटन खुल जाएगा, आपको एम कॉम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप एम कॉम टाइप करोगे, माफी चाहूंगा, एम कॉम आप टाइप करोगे, आपका एम कॉम जो है निकल के आ जाएगा। एम कॉम कितने तरीके का है देखो, ये है, फिर यहाँ पे जो है मेजर सब्जेक्ट करवाए जाते हैं, बिजनेस पॉलिसी, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी एक डिफरेंट तरह का एम कॉम है। तो ये सारी के सारे कोर्सेज आपको बस यहाँ सर्च करना है, आपको जो भी कोर्स करना है यहाँ पे सर्च करोगे निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि कौन सा कोर्स करना है। उसके बाद आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना है, इग्नू की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर ODL प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखो 28 फरवरी का डेट है, बढ़ा हुआ डेट है, राइट, 28 फरवरी तक टाइम दिया गया है। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जो भी बच्चे इग्नू के स्टूडेंट्स इग्नू के लिए नए हैं उनको खुद को यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको डालनी है, आपका लॉगिन आईडी डालना है, आपका यूजर नेम आप कुछ भी बना लो। सपोज आपका नाम रमेश है, तो रमेश 93, रमेश 12, ऐसे करके आपने एक यूजर नेम अपना बना लिया। आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे डालना है, पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना है, पूरा एड्रेस को वापस से यहाँ पे डालना है, आई मीन ईमेल एड्रेस को वापस से यहाँ पे डालना है, पासवर्ड आपने क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिर से टाइप करना है, 2 बारी पासवर्ड टाइप करने हैं। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और मोबाइल नंबर को वापस से टाइप करना है। री एंटर करने के बाद ये जो कैप्चा यहाँ पे, इस कैप्चे को टाइप करने के बाद खुद को रजिस्टर कर लेना है। जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो रजिस्टर हो जाने के बाद आपको वापस से यहाँ पर आना है, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, यहाँ पे जो आपने यूजर नेम खुद का सेलेक्ट करा था वो आपको देना है और पासवर्ड देना है। ये 2 चीजें देने के बाद आप अगर इस कैप्चा को यहाँ पे देते हो और लॉगिन करते हो, आप लॉगिन कर जाओगे अपने वेबसाइट में, आपका जो जो इंडिविजुअल पेज होगा वहां आप लॉगिन कर जाओगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना कोर्स चूज करो, कौन सा कोर्स आपने करना है, पैसे पेमेंट करो और आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ समय बाद जो है आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका जो है एडमिशन हो गया है, आपका एनरोलमेंट नंबर ये है। अब एनरोलमेंट नंबर मिल जाने के बाद फिर आईडी कार्ड आपको भी जो है इसी पे आकर के लॉगिन जब आप करोगे तो वहीं पे सारी चीजें मिल जाती हैं। बट फिर भी अगर दिक्कत होगी आपको तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ जिसके जरिए आप जाकर के खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 28 फरवरी तक का डेट जो है बढ़ा दिया गया है एडमिशन के लिए। जो भी डिस्टेंस मोड में स्टडी करना चाहते हैं इग्नू से, उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। एक चीज मैं और बताता चलूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि ऑनलाइन स्टडी करना चाहता है, स्टडी सेंटर नहीं जाना चाहता, ऑनलाइन स्टडी करना चाहता है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम, है ना। तो इग्नू ने अभी ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं जहाँ पे उसका भी डेट बढ़ा करके 28 फरवरी किया गया है। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे कोर्सेज जो है ये ऑनलाइन है, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे, आप बहुत ही आसानी से इनको कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना। ये हमारी पूरी वीडियो थी जहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारियां दे दी हैं भाई। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।